हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने कई सारे राघव जुयाल एंड सत्य मोहन के डांस, कॉमेडी, रोमांस, तरह तरह के अलग अलग डिफरेंट वीडियोस प्रोवाइड करे। आप लोगों ने उन्हें खूब पसंद करा और मुझे अभी तक खूब सारे रिक्वेस्ट आ रही है कि और भी राघव जुयाल एंड सत्य मोहन की वीडियोस में प्रोवाइड करूँ। तो आज की वीडियो में आप सभी की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रही हूँ। आज की वीडियो में सत्य मोहन और राघव जुयाल की बहुत ही मज़ेदार, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट वीडियो आज की देखने वाले हैं। एकदम कॉमेडी, मज़ा ही आ जाने वाला है। मुझे मतलब कुछ भी देख लूँ, बट जब तक मैं राघव जुयाल और सत्य मोहन की वीडियो ना देखूँ ना, तो सब कुछ खाली खाली अधूरा अधूरा सा दिखता है। एकदम फुल, मतलब अलग ही लेवल का एंटरटेनमेंट होता है राघव जुयाल की कॉमेडी पंचेस, तो मुझे बहुत ही ज्यादा जेन्युइन एंड मजेदार लगती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। राघव भैया, करिश्मा जी को देखकर एक बात याद आ गई, आप इनको कैसे जानती हैं? अरे भाभी, वो डायरेक्टर हैं। सुरसुरी भाभी, राघव जी को पूरी दुनिया जानते है ना, उनको इनको। अरे यार, शो करें प्लीज। शो करें? हाँ, शो करेंगे। डांस प्लस है, डांस प्लस। हाँ सर, शो करें प्लीज। अरे ये क्या बात हुई यार, दोस्त दोस्त बोलते हो, शो पे बुलाते हो, दोस्त मांगते तो देते नहीं हो कुछ भी। वेरी रॉन्ग डार्लिंग। एंड बहुत देर से पापी जॉन जी खाली बैठे हैं। बहुत गलती हो गया, हमको लगता था कि आप बस यहाँ बैठे रहते हैं और बैठे बैठे बस ईद बताते रहते हैं। आज जाके हमको पता चला है, हमारी आँख खुली है कि आप सिर्फ यहाँ नहीं और भी दुनिया में कई जगह से बैठे ही रहते हैं। ओ राजा हिंदुस्तानी, ओ राजा, तुम पागल हो, तुम जो करो। करिश्मा जी, आपकी तरह हम भी बीबी नंबर वन है। हमारे दो दूसरे शादी हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन है हमारा पति। दरअसल हमारा ही गलती था, हम भगवान से कहे थे भगवान हमें पति दो, पति दो, वो दो दो ही दे दिए। ये दोस्ती स्पेशल के लिए नहीं है, समधी समधन स्पेशल के लिए आए हैं। आज आज आपके भाई की एनिवर्सरी है। यस, भाई की एनिवर्सरी। सेक्स पहले से मैं अंधी थी, अब तो मोतियाबिंद हो गया मुझे। हाय हाय, मैं क्या देख रही हूँ? रेमो प्लीज दिखा दो सर। अरे बहुत ज्यादा गुंडे आए हैं। बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे जेठ जी, हमको माफ कर दीजिए। जैक्स, तुम्हें कुछ याद आया? हाय शक्ति। क्या बात है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसलिए बुलाया था क्या तुम लोग को? और किसके लिए बुलाया था सर? जैकेट तो आपने निकाला। एक्सक्यूज मी, कैन यू वेयर योर जैकेट? क्या शो ऑफ कर रहे हो, बॉडी बनाई है? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ओके, बॉडी तो बनाई है सर ने। ये तो
मेरे पैर। मैं आता हूँ शक्ति को काफी परेशान भी करता हूँ। बिकॉज़ आई लव यू। वही तो देखना मजेदार होता है। मगर अपना प्यार मैं इस पे जाहिर नहीं कर पा रहा सर। जाहिर और कितना जाहिर करना है। प्रूफ लाया हूँ सर। वर्षा ऋतु के दौरान जब नर भालू को भूख लगती है तो वो अपनी गुफा से शिकार की तलाश में निकलता है। सर हम लोग हनीमून पे गए थे सर। अच्छा। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर दो लंगूरों के बीच बैठी यार आवाज बड़ी कमाल की है। कमाल वाली मादा भालू पर पड़ती है और मादा भालू को देखते ही उसके 250 करोड़ 3 इंच लंबे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भालू के अंदर बड़ी मुश्किल है लेकिन सर गए थे। मैं इतना बड़ा एंकर हूँ इतने सब करता हूँ। मैंने बोला बाहर जाते हैं यूरोप जाते हैं स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने। सर कह रही मुझे वैष्णो देवी जाना है। सर देखो आपको दिखाता हूँ सबूत। एनर्जी डीओपी डीओपी इज बैक। घोड़ों जितनी ताकत आ जाती है और वो अपने नाखूनों से अपने शरीर को खरोचने लगता है। ऐसा कर वो मादा भालू और अलग अलग इशारे कर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या है ये भालू वाला तो बड़ा मजेदार लग रहा है यार। ओह माय गॉड ऐसा हर सावन के महीने में 2-3 बार होता है। शक्ति राघव ज्वेल। अभी मैंने कहा कि नॉर्मल चलते हैं नहीं कह रही मैं सब वो कर वो बैले। ये बैले है। बैले। आखिरकार हार कर नर भालू खुद ही मादा भालू के निकट जाता है। हबी वाइफ ही हबी वाइफ सर ये आपको लगता है ये मैं ऐसे खुद लाइक करिए सर देखो। नेक्स्ट फोटो हां खुद लाइक करते हैं। गर्दन दुख रही क्या उससे और उसकी खुशबू सुन रहा है। मादा भालू की खुशबू सुनते ही नर भालू के शरीर में रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं और उसकी सभी इंद्रियां जागृत हो जाती है। वो अपना आपा खो देता है। अरे बिचारे को चप्पल उपल जूते नहीं है उसके। मेरे को पता नहीं कैसे कपड़े प्रेस के चुप्पा देख लो एक बार। 20 रुपए पर घंटा की बोट में हो गया राघव फालतू के सबूत दिखा दी। इससे पहले कि मादा भालू नर भालू की तरफ आकर्षित हो उसकी नजर एक खूंखार निर्दयी शेर ये क्या लाय अच्छा मुझे बताओ दुल्हन भी घोड़े पे बैठती है। सर सर ये घोड़े पे क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको। उसका रीजन है घोड़ा आया था क्योंकि दूल्हा घोड़े पे बैठता है। हाँ अब ये सारी बहनें बाहर से पढ़ के आई है पता है नहीं। अब मैंने बोला कि भैया देखो मेरे को घोड़े पे बैठना तो दूल्हा बैठता है मेरे लिए खच्चर भेजा खुद घोड़े पे बैठी हुई है देखो। इसका घोड़ा गोबर करते करते जा रहा था सर आगे ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था सर। लेडी संगीत था सर और उसके रसायन जहाँ से उत्पन्न हुए थे वहाँ वापस चले जाते हैं। रसायन जहाँ से उत्पन्न हुए। डिस्क्लेमर इंडिया प्लीज वेलकम जैवलिन थ्रो में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वाले द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा देश को पहला आप सही में 23 साल के हैं जी।
प्रॉपर राशन कार्ड वाली है। मतलब 23 साल के हैं, मतलब अर्थ से मून का डिस्टेंस 20 लाख किलोमीटर, और जैवलिन के वेट को इसमें प्लस कर दे तो माय गॉड, रे 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 रघु सर, मतलब धरती पे जितनी लड़कियां हैं सब इन पे फिदा है। मेरी मोमबत्ती कब जलेगी सर? मैं बताता हूँ तेरी मोमबत्ती कब जलेगी। तेरी मोमबत्ती तब जलेगी जब नीरज तेरी हेल्प करे। नीरज भाई कुछ राघव भाई, मुझे भी इसका तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जैवलिन फेंकना सिखा सकता हूँ आपको। नीरज भाई कुछ ऐसा जैवलिन फेंकवा दो कि बस वो दिल पे जाके लग जाए। नीरज मैं कहती हूँ कि एक बार आप स्टेज पे आके मुझे प्रपोज करके दिखा दो कि कैसे करते हैं। राघव भाई बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे थोड़ी ना प्रपोज करते हैं, हाथ पकड़ते हैं। जैवलिन समझ के पकड़ लो नीरज, फिर वो फेंकने वाला हो जाएगा। मेरी लाइफ में तो सबसे जरूरी जैवलिन है, मुझे बाकी कुछ ना इतना अच्छा खाना बनाना आता है, ना मैं टाइम दे सकता। अब मेरी लाइफ में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जैवलिन हो जाएगा ना। आंटी जी। हाँ जी। राघव भाई बहुत अच्छे लड़के हैं और इतनी कॉमेडी करते, इतना अच्छा डांस करते हैं, इतने फनी है, प्लीज आप उनसे बात कीजिए। क्या बात है, देख लो, देख लो। जी, ये एक वर्ल्ड चैंपियन 6 साल में ये इंप्रेस नहीं कर पाया, अभी क्या कर रहा है ये बोल रहा है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो। पर 6 साल से ये सही कहा, अभी क्या इसको पहचान नहीं पा रहे भाई। मैं 6 साल से इसलिए कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को अपना करियर सेट करना था। वर्ल्ड चैंपियन मदद कर कुछ। नीरज भाई जब से आप गोल्ड जीते हैं लोग पागल हो गए, और उन्होंने इतने सवाल गूगल से सर्च किए हैं, सर्च इंजन पूरा ब्लास्ट हो गया है। तो सर्च इंजन से हम लोग रिसर्च करके कुछ सवाल लाए हैं, मैं चाहूँगा कि नीरज भाई उन सवालों का जवाब दें। तो ये रहे वो सवाल, एक एक करके खोलते हैं और आप जवाब देना। व्हाई डिड नीरज चोपड़ा कट हिज हेयर, बताओ। मैं खेल रहा था ओलंपिक से 1-2 महीना पहले, और वो बार बार ध्यान है वो बालों की तरफ ज्यादा जा रहा था, थ्रो की तरफ नहीं। मैंने बोला यार ओलंपिक 10 साल मेरा स्पोर्ट्स कैरियर हुआ, और अभी मैं मुझे खेलने का मौका मिल रहा है, ऐसी बालों की वजह से तो खराब नहीं कर पाया। फिर मैंने उन्हें कटवा दिया। क्या बात है, क्या आप अपनी जैवलिन को कहाँ रखते हैं? तो मेरी जैवलिन है वो तो मेरे पास ही रखी होती है। अच्छा, आपको कुछ नाम है जैवलिन का, आपने नाम रखा हुआ है? वैसे तो हम अपने भाषा में भाला बोलते हैं। भाला, 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 जैसे खिलाड़ी हो और अपने काम पे फोकस हो और रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, तो वो चीज बहुत जरूरी है। क्या कहते हो भाई? अब तो कैसा भी मिल जाए बस भैया, बहुत लोग परेशान हैं। कुछ ऐसा दे मेरे पास दिव्य शक्ति आ जाए। दिव्य शक्ति कुछ तो आ गई। ओहो, डांस प्लस की न्यूज़। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं नहीं, चूट कूले अच्छी लगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरटेनिंग वीडियो हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट शेयर लाइक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। नीरज चोपड़ा को देखा हमने, जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, एंड उनका व्यू ऑफ फॉर मैरिज और लव भी हमने दे जाना, तो बहुत मज़ेदार है। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो टेक केयर एंड बाय गाइस।